पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है, जनता उब चुकी है और इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भाजपा से कहीं ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और दौसा लोकसभा क्षेत्र यहाँ शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुरारी मीणा जी हमारे पास मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 19 तारीख को कांग्रेस के पक्ष मतदान होगा। आज प्रियंका जी ने जो भाषण दिया उन सब लोगों में ऊर्जा भरकर गई है, कार्यकर्ताओं के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर, और सभी लोग बदलाव चाहते हैं। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, किसानों के लिए हम लोगों ने एमएसपी की गारंटी का कानून का वादा किया है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस का प्रचार और जनता में जो बदलाव की भावना है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस बार भाजपा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे राजस्थान के अंदर। पहले तो उनको पिछले 10 साल का एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 10 सालों में हमने क्या किया है, कितनी महंगाई बढ़ाई है, कितना बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पर वादा खिलाफी करी गई है, महिलाओं नौजवानों की बात करते हैं लेकिन ना तो इसमें ओपीएस का मेंशन है, ना इसमें महिलाओं को ताकत देने का काम किया, जुमलेबाजी, वादे करना और 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लोग आकलन करेंगे, उसके बाद ये मतदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनेंगे 4 जून को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।